गाइस आ चुके हैं एक और ताबड़तोड़ गेम प्ले के साथ और आज दिखाएंगे भैया बग्गी वाला क्लच, वो भी उड़ उड़ के बंदों को मारेंगे और बग्गी के फायदे बताएंगे। फिलहाल रैंक पुशिंग में सब चीजें तो काम आने वाली हैं, तो इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन वो बातें सब आगे होंगी। लेकिन उतरते हैं पहले बर्फीली भसड़ में। अब बर्फीली भसड़ में बंदे 40-50 से कम तो आ ही नहीं रहे भाई साहब, पता नहीं क्या मतलब बोले तो यार नागमणि लेके जाएंगे। तो फिलहाल हम उतर चुके हैं, फटाफट गन ढूंढते हैं और बंदों को पकड़ते हैं। उतरती गाइस इन बंदों को निपटाया और निपटाने के साथ ही साथ जो अपने किल हो गए थे 4 हो गए थे और अपने टीममेट को बचा लिया, तो उसके लिए एक लाइक के बटन को दबाना ना भूले। और गाइस बचे हुए बंदों को भी रगड़ेंगे, लेकिन उससे पहले भैया उड़ने वाली बग्गी दो तरीके से आती है। पहला तरीका तो ये है भाई साहब, मेन हॉट ड्रॉप पे आओ और गाइस और घंटा को बजाओ। घंटा बजाते ही आपके सामने भाई साहब एक बग्गी आ जाएगी, जिसमें आप खुद बैठे हुए आओगे जो भी घंटा बजाएगा। तो फिलहाल एक टीममेट बैठा होगा, कोई भी बैठ सकता है। तो फटाफट अपनी बग्गी लेके आते हैं गाइस और अपने टीममेट को बैठाने की कोशिश करते हैं। इतनी भी भाई साहब कुछ बंदे आ जाते हैं और जो कि हमारे टीममेट को घेर लेते हैं। तो फिर क्या था भाई, अपने टीममेट को बचाते हैं। Watch out! हाँ बंदा एक, सिर्फ एक बंदे, सिर्फ एक बंदे वो इधर रिवाइव करे जल्दी। Watch out! Watch out! उधर, आओ जाओ उधर से जाओ। बहुत सही, बहुत सही। अरे मेरे अपने टीममेट को गाइस बचा लेते हैं और उस बंदे को निपटा देते हैं और साथ ही साथ उड़ने वाली बग्गी को भी दिखा देते हैं। तो उड़ने वाली बग्गी में गाइस एक असेंडिंग होता है और एक डिसेंडिंग बटन होता है। असेंडिंग बटन के मतलब है कि ऊपर जाओ, डिसेंडिंग मतलब के बटन के मतलब है नीचे जाओ। और गाइस एक गो लिखा होगा ड्राइविंग बटन जैसे बना हुआ, तो वो गो का मतलब गाइस सिंपल है, कुछ नहीं करना, उस पर क्लिक करेंगे तो सीट चेंज कर सकते हो, मतलब बग्गी से घोड़ी पे, घोड़ी से बग्गी पे आ जा सकती हो। और ये घोड़ी मतलब घोड़ी बग्गी पूरी नीचे नहीं आती है, थोड़ी हवा में रहती है। और गाइस इसे कहीं पर भी लैंड करने से पहले सोच लेना, क्योंकि हवा में रहती है तो आपको उसके पास जाके मतलब ड्राइव करना पड़ेगा। और ये फूटती बहुत जल्दी है, रिपेयर नहीं होती है, उसका ईंधन नहीं भरा जाता है, ठीक है। तो और ना ही ये ज़्यादा स्पीड में भागती है, इसकी मैक्सिमम स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। और गाइस ये टर्न भी नहीं होती है थिए पे, गाइस को बड़ा घुमा के लेना पड़ता है। ऐसी कई सारी इसकी खामियां, कुछ खास मुझे बग्गी लगी नहीं। फिलहाल आप लोग बताना कैसी लगी, मुझे तो कुछ मज़ा नहीं आया। लेकिन गाइस अभी मुझे चैलेंज मिला था कि इस बग्गी से क्लच करना, तो भाई क्लच भी करेंगे आगे चल के, लेकिन उससे पहले चलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम इधर आते हैं और मेरे रिकॉल हमारा एक वेस्ट हो जाता है। तो सामने बंदे होते हैं जो कि हमारी बग्गी ले चुके थे और नीचे एक स्क्वाड आ रही। मुझे लगा कि मेरे दो नंबर दोनों टीममेट ये ऊपर आने से उन बंदों को रोक लेंगे, मैं जब तक सामने वालों को मार लेता हूँ। तो मैं सामने वालों को मार लिया होता हूँ, इतने में यार गाइस वो बंदे ऊपर चढ़ जाते हैं और गाइस मेरी गन लग जाती है सामने वालों को मारने के चक्कर में रिलोड। और भाई साहब फिर क्या था, मैं यहाँ मारा जाता हूँ। तो भाई ये वाला गेम प्ले यहीं खत्म होता है, अब चलते हैं दूसरे बूम बम गेम प्ले पर। सो गाइस जो मेन हॉट ड्रॉप को छोड़कर छोटे छोटे तीन जो अलग हॉट ड्रॉप है उन पे आएंगे तो आपको ये बग्गी मिलेगी। तो ये बग्गी उड़ सकती है, लेकिन ऐसे ये सिर्फ चलेगी, ग्लाइड करेगी मतलब सरकेगी। और इसकी मैक्सिमम स्पीड सरकने की भाई साहब मतलब 80 है। और दूसरी चीज़ बता दूँ, ये उड़ाने के लिए आपको घोड़ी की जरूरत पड़ेगी भाई साहब। घोड़ी भाई जिसके सींग निकले हुए हैं, जिसे लोग रेंडियर भी कहते हैं, मैं उसको घोड़ी बुलाता हूँ क्योंकि घोड़ी बोलने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, उसको घोड़ी बना के डपा डप करने में, मतलब उड़ाने में चलाने में।
और फिलहाल मैं अपार्टमेंट की तरफ आता हूँ, अपार्टमेंट में होते हैं कई सारे बंदे, तो फिलहाल घोड़ी से उनका पीछा करते हैं और भाई साहब उनको बनाते हैं घोड़ा और यही चल जा रहेगा घोड़ा घोड़ी, बड़ा मजा आएगा। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। भैया घोड़ी से हर तरीके से मुमकिन तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, साथ ही साथ कॉन्करर की इन्फॉर्मेशन में भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है, भागने भोगने में मदद कर सकती है, पानी के पार जाने में मदद कर सकती है। और कॉन्करर रैंक पुशिंग आने वाली है तो आपको क्या करना है, एक स्क्वाड बनाइए प्रॉपर तरीके से बढ़िया वाली, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको छः घंटे को पूरा यूटिलाइज करना है। और तीसरी चीज़ जो है, तीसरा टिप्स एंड ट्रिक जो है गाइस, वो आपको क्या करना है, पहला जो आपका मतलब पावर होती है रिकॉलिंग वाली, उसको यूज़ करना है किल के लिए। और दूसरी जब पहले रिकॉल में आप मर जाए, दूसरा वाला पूरा चिकन डिनर के ले जाइए एंड तक, और गाइस बूम बम करिए, आपके प्लस होगी और 3 दिन के अंदर रैंक पुशिंग होगी, गारंटी दे रहा हूँ। तो फिलहाल इन बंदों को मार चुके हैं, यहाँ से निकलते हैं। सो भैया यार, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बग्गी से घोड़ी को कैसे जोड़ें। तो भाई साहब बग्गी के पास आए, मतलब घोड़ी को लेकर के आए, तो मुझे घोड़ी दिख गई थी तो फटाफट घोड़ी ली मैंने, घोड़ी को उठाया। गाइस जैसी घोड़ी को उठाओगे मतलब बग्गी के करीब लेके जाओगे, तो बग्गी के करीब जाते ही इसको मतलब घोड़ी के जो बैक साइड है पिछवाड़ा है, इसको बग्गी के आगे रखना है, ठीक है। तो आपके सामने एक ऑप्शन आने लगेगा अटैचमेंट वाला, तो उसको अटैच करेंगे एंड बूम आपकी घोड़ी और बग्गी हवा में उड़ने लगेगी। तो फिर क्या था भाई, हवा उड़ उड़ के आप बंदों को मारो ज़्यादा के। और भाई साहब अगर अभी तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार लगी हो तो मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को कर लो ऑल पे, और एक प्यारा सा कर दो कमेंट जड। तो भैया इस बंदे को मारने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन गाइस ये बंदा भाग जाता है, लेकिन कोई मेरे टीममेट को निपटा देता है। अब बारी थी भाई साहब बन भी थ्री क्लच करने की, वो भी उड़ने वाली बग्गी से। फिलहाल ये वाला सीन देख के मजा आ जाए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, और अब सीन को एंजॉय करो। तो भैया ये स्क्वाड को मारने के बाद में यार मैं और बंदे ढूंढ रहा हूँ, इतने में मेरे टीममेट को एक और कोई निपटा देता है, तो भाई साहब उस बंदों को देखो क्या ही घेर के मारेंगे।
सो गाइस यार, निंजा टेक्निक के मामले में तुम्हारा भाई एकदम जॉर्डन भाई साहब मेरी बग्गी ऊपर फंसी, ट्रिक लगाई और भाई साहब अगेन भाई अपने ऊपर आ चुके हैं, मतलब बग्गी के पास फटाफट अपनी घोड़ी उड़ाते हैं, घोड़ी उड़ाने के बाद में ऐसे निकलते हैं। लास्ट बंदा जो होता है वो मर जाता है यार जून से। तो भाई साहब यही अपना गेम प्ले था, आई होप आपको गेम प्ले पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी मैं दे चुका आप लोगों को कॉन्करर की, सेंसिटिविटी की और बग्गी का यूज भी बता सकता है और कैसे मिलती है, कैसे क्या करना है। तो आई होप आपको जरूर मजा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लिंक ऑल पे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू सब, बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।